साथियों, आज हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस पर की। साथियों, 26 जनवरी आने वाला है और उस दिन भारत देश अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। साथियों, आप दिल्ली के किसान आंदोलन को देख रहे होंगे, जिन्होंने तय किया है कि वो भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में एक भारी भीड़ लेकर के शामिल होंगे। साथियों, ये जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी, इसको भी हमने अपने राजनीति का केंद्र बना रखा है और इसी कड़ी में अब 26 जनवरी को भी राजनीतिक रूप से सब लोग भीड़ बनाकर इस गणतंत्र दिवस को भीड़ तंत्र में बदलने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज हम इसी गणतंत्र दिवस पर बात करेंगे। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। साथियों, 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। ये भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है, अन्य 2 स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती हैं। सन 1929 के दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई थी कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वायत्त उपनिवेश यानी डोमिनियन का पद नहीं प्रदान करती तो भारत ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वशासित इकाई बन जाने तक सक्रिय आंदोलन अपना चलाता रहेगा। उस दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। साथियों, संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थी, जिसमें प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्य संपूर्ण संविधान को लिखना या निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष विधिवेत्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। प्रारूप समिति ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द किया। इसलिए 26 नवंबर यह दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय कुल 114 दिन बैठक की। सभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए।
इसके दो दिन बाद संविधान 26 जनवरी को यह देश भर में लागू हो गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इसी दिन संविधान निर्मात्री सभा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को अपना अंग्रेजों की दास्ता यानी अंग्रेजों के शासन से अपना देश मुक्त हुआ था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को अपने देश में भारतीय शासन और कानून व्यवस्था लागू हुई। साथियों, 25 जनवरी पर राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया जाता है। इसके बाद अगले दिन जो जवान आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए उनकी याद में इंडिया गेट पर अमर ज्योति जलाई जाती है। इसके शीघ्र बाद 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसी दिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया जाता है। फिर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलामी दिया जाता है और इसके बाद सामूहिक रूप से खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है। गणतंत्र दिवस को पूरे देश में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। साथियों, यूं तो भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन इसे पूर्ण रूप से आज़ादी 26 जनवरी 1950 को मिली जब भारत का संविधान लागू किया गया। तो साथियों, आज इस देश की ज़रूरत है कि इस त्यौहार को हम प्यार के साथ, प्रेम के साथ उन लोगों के बलिदान को याद करें जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और इसे राष्ट्र प्रेम के साथ मनाएं, ना कि इसके इसमें किसी प्रकार की राजनीति करें। साथियों, यही हम उन बलिदानियों के प्रति उनके कर्ज को चुका पाएंगे जिसके अंतर्गत जिस कार्य के लिए, जिस मिशन, जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी, उसको ध्यान में रखते हुए हम वो सारे कार्य करें जो नियमतः हैं, भारत के संविधान में निहित है और भारत के विकास के लिए आवश्यक है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।